बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। तो जी, ये कल वाली जो वीडियो थी उसकी बॉलीवुड मॉलीवुड मॉल की, तो वो मैं उसका सेकंड पार्ट शेयर कर रही हूँ। फिर मॉल का टूर तो मैंने कल आपको करा दिया था, आज मैं आपको जिस पे डॉलर वर्ल्ड शॉप है ना, उसका विज़िट कराऊँगी। जैसे डॉलर शॉप्स हो गई, पाउंड शॉप्स हो गई, ये डॉलर वर्ल्ड, डॉलर वन, जिस डिफरेंट नेम्स से हैं ये, तो ये हर तबके के लोगों में ना, मतलब मिडिल क्लास, अपर क्लास, सबके लिए बहुत ज़्यादा ना एक फैसिनेशन होती है। मिडिल क्लास लोगों को अपनी रेंज के मुताबिक बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, और अपर क्लास लोग ये इसमें मतलब ज़्यादा इजीली देख सकते हैं कि जो चीज़ उनको बहुत महंगे महंगे ब्रांड्स पे मिल रही है, अक्सर वही चीज़ आपको डॉलर शॉप पे $1 में मिल रही होती है। और ऐसा होता है, और क्वालिटी भी हर बार जो है वो लो ग्रेडेड नहीं होती ना। तो इस शॉप की मतलब हर बंदे को बहुत होती है। आप YouTube पे देखिए कितने लोगों ने डॉलर शॉप्स के रिव्यू दिए हुए हैं, और लोगों को कितने पसंद है उस तरह की वीडियोस। तो इसलिए कि ये मतलब हर बंदा आज के दौर में, और आज की महंगाई के दौर में, तो वैसे ही हर बंदा चाहता है कि कुछ पैसे बच जाए। तो इसीलिए मैंने सोचा था कि मैं आपको मॉल का जो विज़िट ना वो अलग कराऊंगी, और जो मॉल में डॉलर वर्ल्ड शॉप है ना उसका अलग कराऊंगी। लाहौर में तो काफ़ी सारी डॉलर शॉप थी, तो मैं उसमें जाती रहती थी, लेकिन तब मैं व्लॉगिंग नहीं कर रही थी। लेकिन अब यहाँ पे मैं आई हूँ, तो मुझे ये एक ही डॉलर वर्ल्ड शॉप के नाम से एक शॉप मिली है, तो मैंने सोचा मैं आपको देखूँगी। वैसे मैं और भी हैदराबाद एक्सप्लोर करूँगी तो आपको दिखाऊँगी। एंटर होते ही सबसे पहले आ जाता है लेंस का कॉर्नर, और इसके साथ ही शीशे के ग्लास जार्स हैं छोटे छोटे से, ये हैं नीचे प्लास्टिक है, और साथ ये हैंड्स फ्री कॉर्नर आ गया। फिर उसके बाद आप इस प्लास्टिक के डब्बों का कितना यूज मिलती है यहाँ पे, मतलब स्केयर बड़े जो है वो दो के पेयर्स हैं, और जो छोटे वाले हैं वो थ्री वाले भी, और उससे नॉर्मल से चार डब्बों वाले भी हैं। और डॉलर बहुत महंगा हो गया है, तो डॉलर की कीमत जहाँ पर थी 210 रुपये, और कितना था 150-160 से हम देख रहे हैं, 140 में भी मैंने देखा है। अब ये अचानक 210 पे चला गया, और सेकेंड हो गया, यही चीज़ें आपको 150 में मिल रही होती। तो है डब्बे हैं, ये लंच बॉक्सेस हैं, अभी भी ये बॉक्सेस जैसा कि डब्बे आप बाहर ना, तो आपको बहुत महंगे पड़ेंगे। तो यहाँ पर भी थोड़ा बहुत सस्ता था सामान, ये फ़ायदा था। और ये देखिए मास्क पड़े हुए हैं, बच्चों की टॉयज़ वगैरह हैं, तो मैंने अपनी बेटी, मेरी बेटी चीज़ें उठी उससे कहा था उसे कुछ लेना है तो ले लो, लेकिन मैंने कहा था कि पहले हम बच्चा पार्टी पर चलते हैं, मैंने उसके लिए टॉयज़ नहीं लेने थे, क्योंकि ऑलरेडी अभी चीज़ें यहाँ वहाँ बिकी रहती हैं, पता है एक बार चीज़ें ले लेते हैं और फिर पता है वो खेलने के बाद उनका हो जाता है ख़त्म उस चीज़ में, और जो है उनको वो यहाँ वहाँ आपको घर में भी हिला रही होती है, कहीं रख भी दो तो फैल लेंगे तो गंद फैलाते हैं। तो मैंने इसलिए कहा था ज़्यादा चीज़ें यहाँ से नहीं लेनी, लेकिन ये है कि बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं खिलौने, तो वही हुई थी। और यहाँ कितनी अच्छी अच्छी मतलब टिशू रोल्स भी थे यहाँ पे, ब्लॉक्स थे, और ये वही टॉयस है, छोटी सी शॉप है, ये जरिए है, मतलब जिस तरह लाहौर में आप जाएँ इसमें पैकेजेस में, तो उनकी डॉलर शॉप बहुत बड़ी है। ये थोड़ी छोटी शॉप है लेकिन अच्छी है, मतलब मज़ा आता है इसमें। और ये कुछ मेकअप का सामान है, तो मेकअप जो मैंने कभी भी नहीं खरीदा, मैं वैसे मेकअप करती हूँ, और मैं अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह अपने वहाँ पर कोई बताती, मैं सिर्फ सिंपल एक सनस्क्रीन लगा के मॉइस्चराइजर लगा के अपना मेकअप कर लेती हूँ। मैं बिल्कुल भी बेसिक नहीं यूज़ करती, मैं लाइट कवरेज बेस भी नहीं यूज़ करती, तो हैवी धूप की बात है। और पेंट स्टिक तो मुझे लगता है कि मतलब उसको लगाना ही एक होता है, ऐसा लगता है कि आपने चेहरे पर चेहरा पहना हुआ है, लेकिन है उसके बगैर पार्टी और ब्राइडल मेकअप वगैरह भी उम्मीद नहीं होते, तो ये तो है टॉपिक से ज़रा बाहर रखनी जाती है। और ये देखिए यहाँ पे भी सभी चीज के मतलब थ्री के कंटेनर्स लगे हुए थे, छोटे भी थे बड़े भी, हर साइज़ के थे, तो आई थिंक यहाँ काफ़ी लोग लेकर जाते भी होंगे, क्योंकि भाई कौन नहीं चाहता कि कम ज़्यादा उसको जो है वो चीज़ें मिल जाएँ। और दराज भी इस तरह के थे, काफ़ी महंगे लगे हुए हैं, मतलब अच्छा। और ये देखिए ये अच्छा ये फ्लाइन थे, तो ये मैंने इस तरह का स्टील करा लाहौर से, मैंने वो लाहौर के डॉलर से एक ना, उसमें मैंने कहा था कि एक कप चाय बनाना हो ना तो उसके काम आ जाते हैं, लेकिन सिल्वर के थे, और वो वही था कि इनके बहुत हल्के थे, तो मुझे लगा उसमें चिपक ही चाय वगैरह, मैंने ये नहीं लिया। तो इससे मेरी हेल्पर भी वो छोटे सोचे देखते कि मतलब मुझे भी बाजी एक ला दे, उसके लिए भी लेने लगी थी, तो जो चीज़ मैं अपने लिए पसंद नहीं कर रही है फिर उसके लिए क्यों लूँ ना। तो बस ये देखते हैं, ये बाकी चीज़ें पड़ी हैं वही मेकअप वगैरह का स्टफ, आई लाइसेंस वगैरह। तो ये टोटल शॉप है,
और आपस में हम घर आ गए थे। और घर आने के बाद जो है वो हमने खाना वगैरह खाया था, तो खाना अभी नहीं खाया था पहले। मैं सोचा आपको फटाफट से दिखा दूँ, क्योंकि एक छोटा सा टॉय जो है वो मेकअप आर्ट से रिलेटेड था डॉल के, तो ये मेरी बेटी ने लिया था अपने लिए। बहुत थोड़ी सी शॉपिंग की थी मैंने, क्योंकि मुझे ज़्यादा कुछ भी नहीं लेना था, मुझे सिर्फ आपको मॉल का टूर कराना था। अच्छा, ये मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि मेरी बेटी की माशाल्लाह अलमारी बनवाई है, तो उसके अंदर ना मतलब ये कीज मतलब ये छोटे वाले हैंगर लगते हैं, तो वैसे ही वो छोटी है, मतलब अभी बच्ची है, बहुत छोटी, 4 साल की माशाल्लाह से, तो ये हैंगर ना यूज़ नहीं होते हैं। तो मुझे ना छोटे साइज के हैंगर चाहिए थे, जिसमें जो उसकी कवर में लग सके। बड़े हैंगर जो ना उसकी उसमें अलमीरा में सेट नहीं हो रहे थे, तो ये इत्तेफाक से मुझे डॉलर शॉप पे मिल गए 210 रुपीज़ के 12 हैंगर्स ना, तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे, क्वालिटी भी इनकी अच्छी है, नॉट बैड। तो ये मैंने ले लिए थे, और मैंने पर्पल कलर में लिए थे, इसमें 2-3 वाइट और बेज कलर था, तो और साथ मुझे ये बहुत अच्छे लगे, बहुत रिफ्रेशिंग से फ्लावर थे। अभी मैं आपको उसको सेट करके भी दिखाऊंगी मैंने इसे कैसे सेट किया था, क्योंकि इसके साथ नीचे कोई वो बना नहीं हुआ था, मतलब कोई वॉल वगैरह नहीं बना हुआ था, तो अगर वो होता तो डेफिनेटली फिर ये डॉलर के अंडर नहीं मिलते, मतलब 1 डॉलर के नहीं मिलते, तो बस इसलिए। फिर मैं बच्चा पार्टी पे गई थी उसके बाद, तो डॉलर शॉप पे भी ऑल दो पड़ा हुआ था। देखिए, ये होती है एक स्मार्ट चॉइस, कि आपको ये पता होना चाहिए कौन सी चीज़ आपको कहाँ से लेनी है। अब ये डॉलर शॉप पे भी 210 के लगे हुए थे वाइट बोर्ड्स ना, और वो आपको पता है पेपर से लगा होता है, और उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, वो थोड़ा सा टाइम ही चलते हैं, लेकिन ये जो है ये अच्छी क्वालिटी के थे। और ये मैंने बच्चा पार्टी से लिए, 500 का ये था, और पीछे वाइट ब्लैक बोर्ड है, आगे वाइट बोर्ड है, और पीछे इसके जो इसके साथ 4 मैंने मार्कर्स लिए हैं, जो बोर्ड मार्कर्स होते हैं। इंक मेरे पास पड़ी नहीं है, क्योंकि मेरी बेटी पहले भी यूज़ करती थी, वो तो हर ड्राइंग वगैरह करती थी, लेकिन अब मैंने ये सोचा कि ये उसके लिए ले लेती हूँ। तो यही बात है, अब मैं चाहती हूँ तो मैं वहाँ टू मतलब एक बात है, उससे हाफ से भी कम प्राइस पे, जैसे ये 770 की 2 चीज़ें थी, तो वो मुझे 210 की बोर्ड मार्कर भी साथ एक मिल रहा था। तो ये आपकी स्मार्ट चॉइसेस होती हैं, कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपने कौन सी चीज़ कहाँ ली है। लेकिन हैंगर्स मुझे इससे अच्छे प्राइस में कैसे नहीं मिल सकते थे। मैं ये नहीं कह रही मैं स्मार्ट हूँ, आई थिंक हर माँ स्मार्ट होती है, एंड जो पीपल आर डेफिनेटली मोर स्मार्टर देन मी। तो है अच्छा, कि मेरे पास एक कोकोनट मिल्क की बॉटल पड़ी हुई थी, ऐसी ग्लास बॉटल पड़ी हो ना तो मैं रख लेती हूँ, वैसे ही कभी काम आ जाती है। फिर पानी वगैरह तो इसमें नहीं पिया जाता, इसमें मैक्सिमम 1 गिलास ही आता है, लेकिन मैं ये रख लेती हूँ अगर मैं जब भी कभी ऐसी कोई चीज़ हूँ। तो है मैंने इसके अंदर मोती ऐड कर दिए थे, अब ये स्टिकर उतर नहीं रहा था, मुझे जल्दी जल्दी सेटिंग करनी थी, क्योंकि मुझे और भी काम करने थे, तो मैंने इसके साथ एक जुगाड़ आगे किया, मैं आपको दिखाती हूँ, अभी इसमें रख के देखती हूँ कि कैसा लग रहा है। तो माशाल्लाह फ्लावर्स के कलर आप देखिए कितने प्यारे हैं, मल्टी कलर्स हैं इसमें, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं ये। तो ये मैंने इस तरह से इसके अंदर सेट कर दिया, ये देखिए, अब मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि मैंने इसको और इसकी सेटिंग और इसको कैसे सेट किया। तो अब मुझे ना ये स्टिकर उतारना भी था, और ये आराम से उतर भी नहीं रहा था, मुझे कम टाइम में करना था। तो मेरे पास एक्रेलिक जो पेंट्स होते हैं ना, वो वाइट पड़ा था, मैंने वो उसके स्टिकर के ऊपर लगा के उस पर छोटे छोटे स्टिकर बटन जो है ना ये लगा दिया, तो इतना खूबसूरत वो एक मतलब वो स्टार बॉट जो होता है ना आइटम डेकोरेशन डेकोरेटिंग पीस वो बन गया था। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कि मैं इसे किसी और कलर से करती थी शायद ये इतना प्यारा ना लगता इन फ्लावर्स के साथ, लेकिन अब ये बहुत क्यूट सा लग रहा है। तो हाफ बॉडी इसकी ट्रांसपेरेंट है, और हाफ इसकी जो है वो कलर मतलब ये कलर में थी। तो ये भी मैंने सेटिंग वगैरह कर ली थी, और इसके बाद जी हम रात का टाइम था, तो हम गए थे घर जो है देखने के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था हमने घर चेंज करना है, लेकिन ये घर हमें बहुत पसंद आया था, यहाँ हमारी बात भी डन हो गई थी, और मैंने सोचा आपको भी घर का विजिट कराती हूँ। देखिए, इस तरह अपर पोर्शन था, और अच्छी जगह पे था, हवादार, हवा तो हर वैसे भी हर जगह में अच्छी चलती है। तो ये इसका जो है ना, हम अंदर आ गए थे, तो ये वॉशरूम है, और भी लाइट इनकी गई हुई थी, लेकिन वॉशरूम देखिए बहुत ही खूबसूरत बने हुए हैं। तो ये वॉशरूम है, और आपको मैं रूम्स दिखाती हूँ, ये देखिए ये रूम्स हैं इस तरह के, और इस तरह की सीलिंग हुई हुई है रूफ पे, और ये देखिए पूरी कबर्ड्स बनी हुई है टोटली। तो एक कमरा जो था वो ये था, इसमें 2 बेडरूम्स थे, एक ड्राइंग रूम था, एक टीवी लाउंज था, एक अमेरिकन स्टाइल का खूबसूरत सा किचन था, 2 बाथ थे, तो और साथ एक छोटी सी गैलरी थी। तो ये टोटल हमें मिल रहा था इतने पैसों के अंदर। तो ये देखिए ये किचन है, और किचन बहुत किचन इस घर की ना स्पेशलिटी थी, बहुत खूबसूरत था,
मतलब मुझे इस तरह का किचन बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरा तो है जो अपार्टमेंट है उसका किचन बड़ा तो है लेकिन वो लंबाई में ज़्यादा, उसकी चौड़ाई इतनी नहीं है। और ये देखिए ये इंडक्शन वाले जो हैं ऊपर जो हैं ये सारे इंस्टॉल हुए हुए थे और स्टोव भी ये दे रहे थे बहुत ही खूबसूरत सा, मतलब लगा के 5 बर्नर्स वाला। तो लेकिन ये है कि हर बंदा अपनी सहूलत देखता है, तो वहाँ जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ और मतलब स्कूल और ये हर चीज़ पास पास है, तो इसलिए फिर हमने इस घर को नहीं लिया। लेकिन ये हमें पसंद बहुत आया था, स्पेशली मुझे बहुत पसंद आया था। और ये दूसरा रूम है तो ये इस तरह से था, तो मैंने सोचा आपसे भी शेयर करती हूँ, तो आपको भी कोई आइडिया वगैरह मिल जाएंगे। तो इसके बाद मैं जो है आपको दूँगी अज़ीज़ बिरयानी का रिव्यू। तो अज़ीज़ बिरयानी जो है मैंने सुना है कि आप मतलब यहाँ बहुत शौक से खाती थी, यहाँ बहुत पसंद है। तो यही तक था जी बस मेरा आज का व्लॉग। और ये देखिए बस हम घूम फिर के कमरों की ही चेकिंग कर रहे हैं, कुछ भी फाइनल करना होना वो बहुत मुश्किल काम है। तो और वापसी पे आते वक्त मैंने ली थी मज़ेदार सी बीफ बिरयानी अज़ीज़ की। तो अगर आप लोग हैदराबाद में रहते हैं तो अज़ीज़ की बिरयानी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसकी बिरयानी काफ़ी मज़े की होती है। बेसिकली ये बीफ पुलाव बिरयानी होती है, तो जिन लोगों को पुलाव पसंद है ना उनको ज़रूर पसंद आएगी। और मेरी बेटी कह रही थी मुझे बिल्कुल भी फ्राई प्याज नहीं खाना है, तो मैंने हाफ के जी ली थी, लेकिन ये है कि बहुत मज़े की थी और बहुत मज़ा आया। सो तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मैंने सोचा आपको रिव्यू भी दे देती हूँ क्विक सा खाने का। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, हाफिज़।